यूपी में चाचा भतीजे के बीच जारी टकराव में अब नया मोड़ आ गया है। अखिलेश के करीबी MLC उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि पार्टी और परिवार में तमाम मुश्किलों के पीछे मुलायम की दूसरी पत्नी यानी अखिलेश की सौतेली मां का हाथ है। उदयवीर सिंह ने मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा कि परिवार के भीतर से भी अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश हो रही है और शिवपाल यादव इसमें शामिल है। उन्होंने लिखा कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना अपने सौतेले बेटे अखिलेश यादव के प्रति द्वेष की भावना रखती हैं और शिवपाल यादव मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से जलते हैं। इतना ही नहीं, सिंह ने शिवपाल यादव और साधना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का सहारा भी लिया है। सिंह ने पत्र में आरोप लगाया कि अखिलेश के खिलाफ षड्यंत्र वर्ष 2012 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के फैसले के बाद से ही शुरू हो गया था। जब 2012 में अच्छे चुनाव नतीजे आए तो अखिलेश जी कहते थे कि मुख्यमंत्री मुलायम बनेंगे और नेताजी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। यह बात आप दोनों के बीच थी, लेकिन जैसे ही चर्चा बाहर आई तो अखिलेश जी के खिलाफ घर में ही षड्यंत्र चालू हो गया। अखिलेश जी की सौतेली माँ तो सामने नहीं आई, लेकिन उनका राजनीतिक चेहरा बनकर शिवपाल यादव ने पार्टी के तमाम नेताओं से संपर्क कर इस निर्णय को रुकवाने की हर संभव कोशिश की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव मुलायम की पहली पत्नी की संतान है, जबकि दूसरी पत्नी साधना यादव की संतान मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक यादव है। 2003 में पहली पत्नी की मौत हो गई थी, मगर तब तक मुलायम करीबियों के अलावा किसी को नहीं पता था कि उनकी साधना गुप्ता नाम की दूसरी पत्नी भी है। मुलायम परिवार में जारी घमासान में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं। ये झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब सौतेली माँ की भूमिका भी इस मामले में सामने आ रही है। घर में बढ़ रहे इस झगड़े को मुलायम सिंह यादव कैसे रोकेंगे, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।